करीब 10 दिनों के लंदन दौरे के बाद राहुल गांधी भारत लौट आए हैं और आज वो संसद भी पहुंचे। लेकिन राहुल के लौटने के बावजूद उनके बयानों पर हंगामा थमने के बदले और तेज हो गया है। आज राहुल गांधी ने संसद पहुंचकर अपने बयान पर सफाई देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर सदन में बोलने देने की मांग भी की। हालांकि हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई चल नहीं पाई। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मेरे खिलाफ संसद में 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं और इसलिए मैं अपनी बात संसद में ही रखना चाहता हूं और अगर भारत में लोकतंत्र काम कर रहा है तो मुझे संसद में बोलने का मौका मिलेगा। हालांकि राहुल ने यह भी कह दिया कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि संसद में बोलने का मौका उन्हें मिलेगा। इन सब के बीच राहुल ने कहा या राहुल के बोल पर जो कुछ भी बवाल है वो लगातार जारी है। आज चौथे दिन संसद का कामकाज अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ठप रहा। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने देश का अपमान किया और इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हुंकार भरनी है इन सवालों के साथ कि राहुल की माफी पर महाभारत कब तक? क्या राहुल ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया? क्या राहुल को संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता है? क्या राहुल का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है? क्या अडानी से ध्यान भटकाने के लिए राहुल पर हंगामा हो रहा है? आज के हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन किसने क्या कुछ कहा और किसका क्या रुख रहा पहले वो देख लीजिए। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोल रहे। कि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। माननीय सदस्यगण, 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी जो भी बोलता है अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये उनकी साजिश है पार्लियामेंट चलने नहीं देना। सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। चलो कम से कम संसद का अपमान तो ना करें। देश के बारे इस तरह के विचार रखना, ये दुर्भाग्य है कि जब इंदिरा जी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। फिर दोबारा कहते हैं मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। राहुल गांधी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और बीजेपी की जो सोच, ये देश विरोधी सोच है। वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं, वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।